अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। एज वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल सिलेबस, टुडे वी विल रिवाइज द यूनिट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या है कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं दुनिया पे, ठीक है, उनको क्लासिफाई किया गया कुछ उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, कुछ उनको डिफरेंसेस की बेस पर। तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसको क्लासिफिकेशन कहा गया। तो अब उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई एनिमल्स की, ठीक है। इसमें एनिमल्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की, जिसमें दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट एंड सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स थे? ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनकी बैकबोन होती है। ऑल द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर वर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है। बैकबोन जो होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिनकी होती है, वो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे फिश भी आ सकता है, सॉरी डॉग, कैट, और इसके अलावा उसमें आपकी फिश आ सकती है, और उसके बाद स्नेक, पिजन, हॉर्स, तो ये सब क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स को उन्होंने 5 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। हर एक की अपनी जो है कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो कोई ना कोई डिफरेंसेस, क्योंकि हर एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उनमें मेन चीज़ जो वर्टिब्रेट की है कि बैकबोन है, तो ये उनकी सिमिलैरिटीज़ है। उनको फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। फिश की एग्जाम्पल शार्क, टूना, एम्फीबियन, फॉक, सेलमेंटर, रेप्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड, पिजन, स्पैरो, मैमल्स, डॉग, हॉर्स। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं। अब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं, कुछ लैंड पे देते हैं, और कुछ जो हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं, और कुछ एग्स ले होते हैं। तो इसी तरह ये डिफरेंट जो हैं वो उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पर इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब इनवर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है, दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, उनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। लाइक वर्म्स, इंसेक्ट्स, जैसे लेडी बर्ड, स्पाइडर, इनको आप देखें तो इनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें एंटीना होते हैं, इंसेक्ट्स एंटीना जो उनके लिए स्मेलिंग और फीलिंग का जो है वो काम करते हैं। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्पाइडर, क्रैब्स, इंसेक्ट्स। अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें लेग्स नहीं होती हैं, वर्म्स, स्लग्स। अब कुछ ऐसे होती हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती हैं, जेलीफिश, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हार्ड शेल होती है, जैसे स्नेक। अब ये देखिए वर्टिब्रेट्स में कितनी वराइटीज़ आ गई हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं कि जो अपना टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, तो वो उसी टेम्परेचर को जो है अपना टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट, उनका अपना टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करते हैं जो उनका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, जैसे एग्जाम्पल स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉक्स। अब आप सर्दियों में देखते हैं कि कुछ जो लिजर्ड्स आपको नज़र नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेट, मतलब एक अपने घर में रहती हैं, तो वो क्या होती हैं कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपना मेंटेन करती हैं, जितनी जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर जो होता है उस पर, ठीक है। इसीलिए जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए जो है वो हमें सर्दियों में नज़र नहीं आती। अब उसमें होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर जिनका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स। जैसे हम गर्मियों में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और सर्दियों में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है, विच इज़ 97 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, क्योंकि हम जो है वो हमारा हम डिपेंड नहीं करते जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे, क्लियर। उसके बाद देख लें कोल्ड वर्सेस वार्म ब्लडेड एनिमल्स में
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जो एग्जाम्पल हैं एलिगेटर, फिश, लिजर्ड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नेक, ठीक है, ये सब जो हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मीन्स के डिपेंड करती हैं अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लेती हैं। वार्म ब्लडेड एलिफेंट, डॉग, व्हेल, कैट, हॉक एंड पीपल, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये अपना मेंटेन रखते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब वॉर्म्स होते हैं, ऐसे वॉर्म्स होते हैं जिनकी लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज होती हैं, उनके लेग्स आर्म्स नहीं होती, वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी में, लैंड में रह सकते हैं, और ऐसे कुछ बहुत छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े लॉन्ग होते हैं, उनकी जो होती हैं बहुत फ्लैट सी और मतलब स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, सेगमेंट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, और ये सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनकी वजह से इनके घर सॉइल में होते हैं, तो ये अपने क्या करते हैं घर जब सॉइल में बना होते हैं तो उसमें वो उसकी वजह से सॉइल में जो है वो एयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एयर जाती है, इसलिए वर्म्स को कहा जाता है कि वो यूज़फुल हैं सॉइल के लिए। अब वर्म्स की यू कैन सी हैम एग्जांपल, दिस वन इज़ द वर्म प्रेजेंट इन द सॉइल जो थोड़ा लॉन्ग है और दिस वन इज़ अ वेरी स्मॉल वर्म, ठीक है, अब इनकी बॉडी देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी शेप जो है वो लाइंस लाइंस सेगमेंट्स सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ओके, दिस वाज आवर लेक्चर, आई एम श्योर कि आपको समझ आई होगी, ओके, टेक केयर।